कल जनपद के उपाध्यक्ष दिनेश आर्य जी और मैं यशवंतन पाटीदार, हम SDM साहब के पास एक ज्ञापन लेकर गए थे। कुछ लोगों ने पंचायत की भूमि जो पूर्व सरपंच हमारे भागीरथ भाई के समय खरीदी हुई थी आज से 55-56 साल पहले, वो उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने खरीद ली है। उनको मालूम होते हुए कि ये सार्वजनिक अस्पताल की जमीन थी, उसके बावजूद भी उन्होंने खरीदी और यहाँ कब्जा करने का प्रयास किया, और उसके लिए हम SDM साहब के पास ज्ञापन देने गए थे। SDM साहब आज मौके पर आए और उन्होंने कन्याशाला की और ये भूमि और यहाँ जो रहवासी जो कम से कम 40-45 परिवार यहाँ रह रहे हैं 55-56 सालों से, जमीन क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दूसरों के नाम से है, इसलिए उनके साथ में जो भूमाफिया है वो मिलकर इन लोगों को भी तंग कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं और वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और SDM साहब को आज ज्ञापन सौंपा, उन्होंने जाके मौके का मुआवना किया और अग्रिम कार्रवाई का हमें पूरा आश्वासन दिया। आगे क्या रहेगी रणनीति, मान लो प्रशासन और ये अगर इस कागज के आधार पर सक्षम नहीं होता कुछ कार्रवाई करने को? नहीं, हमारे पास पुराने रिकॉर्ड भी हैं जिसके आधार पर ये जानकारी मिलती है कि पंचायत ने पूर्व सरपंच ने जमीन खरीदी थी, और लोगों के पास भी रिकॉर्ड उपलब्ध है कि उन्होंने जमीन जो खरीदी थी लिखा पढ़ी के स्टाम्प उनके पास